यानी दवा की कोई समस्या नहीं, इस बारे में कोई सवाल नहीं। बहरहाल कोरोना की रोकथाम में कई वॉरियर्स ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे इस जंग को लड़ने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम सेल भी ऐसा ही काम कर रही है। ये सेल ECS मेडिकल रोहित कुमार सिंह और अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा के निर्देशन में पिछले 1.5 माह से 24 घंटे 7 दिन साइलेंटली वर्क कर रही है। चाहे पॉजिटिव केस की सूचना हो, संदिग्ध मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर्सन की ट्रेसिंग का काम हो, सेल में तैनात कोरोना वॉरियर्स पल पल की सूचनाओं पर नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा सेल की तरफ से सूचनाओं का एनालिसिस करके कोरोना रोकथाम के लिए आगे का एक्शन प्लान भी बनाया जाता है। पल्स इंडिया ने आज इस सेल की टीम से जाना कि कैसे पूरे राजस्थान की खबर हमें एक क्लिक पर मिल रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ ही बढ़ती जा रही सरकार की चिंता, लेकिन उसके बीच हम आपको दिखाते हैं एक नई तस्वीर। जो कोरोना वायरस जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये राजस्थान की वो तस्वीर है जहां से पूरे राजस्थान की मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरे राजस्थान में कहाँ पर क्या केस आ रहे हैं, उन केस की क्या रिपोर्टिंग है, किस तरह से उनकी लाइन लिस्टिंग हो रही है, किस तरह से उनके कॉन्टैक्ट लिस्टिंग हो रही है, ये तमाम तरह की चीज़ों हो वो इसी सेल से हो रही है। और ये सेल जो है डायरेक्टरेट के अंदर काम कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं ये सभी लोग हैं जो पिछले 1.5 महीने से दिन रात 24 घंटे जुटे हुए हैं और सिर्फ इस बात के लिए जुटे हुए हैं कि जो डेटा जाए वो बिल्कुल करेक्ट जाए। और दिल्ली तक जो डेटा जा रहा है उस डेटा में राजस्थान की वो तस्वीर निकल के आए जो कि सच्चाई की तस्वीर है, फील्ड की तस्वीर है, और जिसको कह सकते हैं कि उस जो डेटा है उसका एनालिसिस है वो बिल्कुल प्रॉपरली राजस्थान में हो रहा है। ये वो तस्वीर हमारे साथ मौजूद है, सेल में मॉनिटरिंग का काम देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं। असवाल सर, सर ये जो पूरा आपका सेल काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है सेल ये, और दिन रात 24 घंटे रिपोर्टिंग करते हो, 3 बार मीडिया को ब्रीफिंग भेजते हो? इस सेल का मेन काम है सूचनाएं प्राप्त करना, इन्फॉर्मेशन लेना और उनको एक्ट करना। यानी संबंधित जिले को सबसे पहले हम ये सूचना देते हैं कि ये पॉजिटिव आ गया है केस, और वो उसके ऊपर रश करते हैं। हालांकि वो पेशेंट एडमिट होता है, लेकिन उसको यदि शिफ्ट करने वाली बात है तो शिफ्ट करते हैं, और साइमल्टेनियसली उसके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना होता है, वो भी एक्टिविटी साथ में चल जाती है। इसके अलावा यदि उसमें कोई गैप आता है कि पेशेंट पहले का नेगेटिव है या सेकंड टाइम नेगेटिव आया है या फर्स्ट टाइम पॉजिटिव आया है, ये भी एनालिसिस करना होता है। मेडिकल कॉलेजेस से ये सूचना प्राप्त करके और उसके बाद में परकोलेट करते हैं। इन बिटवीन जो क्वेरीज या जो प्रश्न या भ्रांतियाँ संबंधित जो चीज़ जिले से या पेशेंट या उनसे आती है, उनका भी समाधान करते हैं। सर दिल्ली से भी लगातार संबंध बनाए हुए हैं, वहाँ पे लगातार वहाँ से जो डेटा मांगा जाता है आपसे, एक एक केस के बारे में डिटेल मांगी जा रही है, उसको लेकर क्या रिपोर्टिंग करते हैं? उसको लेकर ही मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले सूचना प्राप्त करके और उसको एक्शन परफॉर्मेंस, क्योंकि खाली सूचना प्राप्त करने से कुछ नहीं होता, उसको एक्शन में किस तरीके से वो तब्दील हो, उसके कार्रवाई कैसे हो, ये सुनिश्चित करना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और उच्च अधिकारियों को हम जल्दी से जल्दी उसकी सूचना दे दें और उसके बाद हम रिपोर्टिंग तैयार करके और वो सारी एक शेप दे दें, ये जरूरी होता है। देखिए ये वो सेल है जो पूरा काम कर रही है, आप देख सकते हैं सेल में एक एक आदमी को जिम्मेदारी दी हुई है ये काम करने की, कि जिले में किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जिले में से किस तरह का डेटा सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो आप सेल देख रहे हैं इसमें कई महिलाएं भी हैं, वो भी काम कर रही है, सुबह से मोर्चा संभालती है, देर रात तक संभालती है मोर्चा, उनसे बात करते हैं। रुचि मैडम, उनसे बात करते हैं। मैडम इतना बड़ा काम लेके बैठे हैं, राजस्थान का पूरा जो सीनरी है आपके हाथ में रहता है, किस तरह से देखते हैं अब ये जिस तरह से बीमारी आ रही है और डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपकी कितनी भूमिका रहती है? जो भी केसेज हमारे पास मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट होते हैं तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई करते हैं मेडिकल कॉलेज से केसेज लेके, और वो कौन कौन से कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है, और डिस्ट्रिक्ट का है कि पॉजिटिव वो ऑनलाइन रिपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, एक्चुअली वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हर चीज़ को हम डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस वेरीफाई करते हैं। फिर हम डेटा हमारे यहाँ पर कंप्यूटर पर चढ़ाते हैं, फिर कंसर्न डिस्ट्रिक्ट को हम इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम उनके एक्शन टेकन लेते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कौन कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। आईडी जो पूरी सेल है ये वाली, इस पूरी सेल का जो जिसको कह सकते हैं बैकबोन कही जा रही है मेडिकल डिपार्टमेंट की, तो वर्किंग जो है उसको कितना मानती है, कितना इफेक्टिव वर्किंग है यहाँ पे भी IDSP में? IDSP में जो वर्किंग है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेन डेटा जनरेट ही यहाँ से हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव केस हो, चाहे कितने हॉस्पिटलाइज्ड हो या कितने डिस्चार्ज हो गए हो या कितने पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए हो, ये सारा डेटा जनरेट IDSP से हो रहा है, उसी बेस पे आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। मुझे पूरी तरह जब जीका आया था तब भी आपने बहुत बड़ा मोर्चा संभाला हुआ था सभी लोगों ने मिलकर के, आज एक बार फिर से वही मोर्चा, पॉजिटिव केस आते हैं और कई बार रिपोर्ट आती है कि जो पॉजिटिव केस है वो नेगेटिव हो गए हैं, कितनी खुशी मिलती है उसको लेकर? उसको लेकर हमें बहुत ऐसे लगता है कि हाँ चलो हमने एक
सक्सेस स्टोरी हम अपने आप की मानते हैं कि एक पेशेंट की जान हमने बचा ली, तो इस चीज़ को लेके खुशी तो जाहिर है, बहुत अच्छी खुशी होती है हम लोग। अगर केस बढ़ते हैं तब? केस बढ़ते हैं तो हाँ, एक एक पैनिक होता है, पर हमें ये लगता है कि ये हमारे सर्विलेंस में निकल के आ रहे हैं, हिडन केसेज नहीं है। एक बार बढ़ेंगे थोड़े दिन, पर एक जाके हम इन पे अचीवमेंट मांग के कंटेन तो कर पाएंगे ना, तो टेंशन होती है एक बार कि केसेज बढ़ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, क्योंकि हमारी टीम हाउस टू हाउस सर्वे करके उन केसेज को आइडेंटिफाई कर रहा है। हिडन केसेज नहीं है जो अपने आप हॉस्पिटल आके आ रहे हैं, हमारी टीम हाउस टू हाउस सर्वे में केसेज लेके आ रही है। पीछे जो भी रामगंज के केसेज अपने पास कल 40 आए, तो एक भी केस ऐसा नहीं था जो हॉस्पिटल में खुद आया। सारी हमारे CMHO हमारे डायरेक्टरेट की टीम ने जो हाउस टू हाउस सर्वे में केसेज आइडेंटिफाई किए, तो इसमें हमें लगता है कि हम पेशेंट तक पहुंच के और उनको हेल्प कर पा रहे हैं। तो देखिए, ये हैं वो पर्दे के पीछे से कोरोना वॉरियर्स जो कि पूरी शिद्दत से काम में जुटे हुए हैं, और साथ ही कह सकते हैं कि जब केस जब पॉजिटिव से नेगेटिव होता है तब खुशी होती है, लेकिन साथ ही जब केस बढ़ते हैं तो इनमें जज्बा बढ़ता है इस बात का कि उनका काम जो है वो दिख रहा है, वो किस तरह से सर्विलांस हो रही है जिसकी रिपोर्टिंग के चलते अब ये केस बढ़ रहे हैं, और उसके बाद में उनका जो ट्रीटमेंट है वो तय होता है। उम्मीद यही है कि जिस तरह से सेल काम कर रही है और जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर रिपोर्टिंग जो प्रॉपर तरीके से आ रही है, इससे जो कोरोना की जंग जो है जल्द हम लड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।